हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट इज किडनी स्टोन, किडनी स्टोन क्या होता है, स्टोन का मीनिंग क्या होता है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मॉलर हार्ड स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलर हार्ड स्ट्रक्चर डेट परफॉर्म इन द किडनी का परफॉर्म होता है, किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉज करता है सीवियर पेन इज नाउ एज किडनी, उसको अपन क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन्स बोलते हैं, जो पत्थर की तरह बन जाता है किडनी के अंदर। आप फोटो में देख सकते हैं आप किडनी और उसके अंदर क्या पत्थर जम गए, वो छोटा और कठोर रचना होता है किडनी के अंदर बनती है ये, और आपको पेन वगैरह पैदा करता है। ये क्या है, पत्थरी कई प्रकार के मिनरल और सॉल्ट से मिलकर बनी होती है। व्हेन दिस पैसेज थ्रू द यूरिनरी ट्रैक एंड कॉज ऑफ पेन एंड ब्लॉक द ट्रैक ऑफ यूरिन्स, ये क्या करता है, पास हो जाता है किडनी के जरिए, पास होता है यूरिनरी ट्रैक में, यूरिनरी ट्रैक में पास होने के बाद आपको कॉज करता है, पेन कॉज होता है, ब्लॉक करता है ट्रैक ऑफ यूरिन, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसको कठिन कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको पेन्स वगैरह होता है यूरिन करने में। अब नेम ऑफ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन पथरी के कौन से नाम है, रीनल कैलकोली जिसको रीनल कैलकोलाई बोलते हैं, नेफ्रोथियासिस, यूरो थियासिस, ये किडनी के आप फोटो में देख सकते हैं, पेल्विक स्टोन, कलेक्सिक स्टोन, ब्लैडर स्टोन, ब्लैडर में स्टोन आना उसको हम ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं। फिर इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, पत्री कैसे बनती है या कैसा बनता है। किडनी स्टोन फॉर्म व्हेन द इंक्रीज द लेवल्स ऑफ क्रिस्टल सब्सटेंस लाइक, क्या होता है, क्रिस्टल सब्सटेंस लाइक कैल्शियम ऑक्सीलेट एंड यूरिक एसिड एंड डिक्रीज द वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, वाटर की वॉल्यूम कम हो जाती है और यूरिक एसिड वगैरह कैल्शियम ऑक्सीलेट ये बढ़ जाता है, जिसके वजह से किडनी स्टोन होता है। किडनी स्टोन तब बनता है जब पानी की मात्रा कम और उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट तथा यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। ये आप उन्हें देखेगा किस वजह से किडनी स्टोन किस तरह से फॉर्मेशन होता है, बनता है। इन दिस कंडीशन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन विच कंटेन मोर सॉल्ट एंड एसिड एज कम्पेयर टू नॉर्मल यूरिन, जो नॉर्मल यूरिन होता है उसके जरिए उससे इंक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन, यूरिन का कलर चेंज एंड डार्क, यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, आपने देखा देख सकते हैं फोटो में लाइट येल्लो और कैसा डार्क हो जा रहा है, ये संकेत होते हैं किडनी स्टोन में कुछ प्रॉब्लम्स है। टाइप्स ऑफ स्टोन, पत्री कितनी टाइप्स की होती है, कैल्शियम स्टोन, यूरिक कैल्शियम की वजह से भी स्टोन होता है, यूरिक एसिड की वजह से स्टोन होता है, और ट्रोवेट स्टोन्स होता है। आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह से दिखते हैं कैल्शियम स्टोन, यूरिक। अब सिम्टम्स जान लेते हैं, लक्षण जिसको बोलते हैं, आप कैसा बोल सकते हैं कि किडनी स्टोन होने के चांसेस है या आपको किडनी स्टोन है। पेनफुल ऑफ यूरिनेशन, यूरिन करते टाइम आपको यूरिन के समय पेशाब वगैरह में जलन होना, बर्निंग इन यूरिन, यूरिन करते समय जलन वगैरह होना, डार्क कलर इन यूरिन, यूरिन का रंग जो है डार्क हो जाना है, जो नॉर्मल यूरिन अपन पे करते हैं उससे अलग इसका कलर दिखना, जिसकी वजह से हो सकता है नौशिया, वोमिटिंग एंड फीवर, बुखार वगैरह, उल्टी और जी मचलाहट वगैरह के भी सिम्टम्स है कि किडनी स्टोन्स होने के चांसेस है। जब प्रिवेंशन स्टॉप कैसा करेंगे आप किडनी स्टोन से, किस तरह से बचेंगे, ड्रिंकिंग मोर अमाउंट्स ऑफ वाटर 7 से 5 लीटर इन द डे, आपको दिन में 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। टेक द कैल्शियम एंड मिनरल सॉल्ट इज लेस कर लेना, आपको कैल्शियम मिनरल एंड सॉल्ट जो आप भोजन वगैरह में ज़्यादा मात्रा में पी रहे हैं वो नहीं कर लेना। डू नॉट स्टॉप यूरिन फॉर द लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक यूरिन को नहीं रोकना चाहिए, डू नॉट स्टॉप द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, यूरिन को देर तक नहीं रोकना चाहिए। इस तरह से पहचानेंगे, एक तो करते हैं ब्लड टेस्ट से पता करते हैं, फिर यूरिन का टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड के जरिए करते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे वगैरह करके मालूम करते हैं। अब हम जानते हैं ट्रीटमेंट्स, इसका इलाज क्या है किडनी स्टोन का, इसको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। आयुर्वेदिक की वजह से भी क्या आता है, होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन अवेलेबल फॉर किडनी स्टोन, किडनी स्टोन को ट्रीटमेंट करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती है, होम्योपैथिक भी और एलोपैथिक भी मेडिसिन होती है। पेन किलर यूज की जाती है फॉर द रिड्यूसिंग ऑफ पेन, जो आपको दवाई दी जाती है जो पेन वगैरह हो रहा है यूरिन करते समय, या यूरिन की जगह पेन हो रहा है तो उसको रिलीफ करने के लिए एंटी पेन किलर दी जाती है। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक दी जाती है, जो आल्सो यूज फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन केयर द डेवलपमेंट, जो इन्फेक्शन डेवलपमेंट्स हो रहा है यूरिनरी ट्रैक में तो एंटीबायोटिक दी जाती है। अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन आर यूज डेट प्रोवाइड द पासेज स्टोन द पासिंग आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से पास हो जाए स्टोन उसके लिए दिया जाता है।
फिर ये देखो होम्योपैथिक मेडिसिन है, क्लियर स्टोन ड्रॉप नाम से आता है आप देख सकते हैं, और स्टोनिल ड्रॉप्स आता है, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका यूज की बात करते हैं तो 10 ड्रॉप मिक्स इन 1 कप ऑफ वाटर एंड टेक 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार लिया जाता है, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इसका यूज करना है, क्लियर स्टोन ड्रॉप और स्टोनिल ड्रॉप जो होम्योपैथिक मेडिसिन है। फिर इसके बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसके अंदर आप सिरप देख सकते हैं, नीरी सिरप आती है, सिस्टोन सिरप्स आती है और क्लियर सिरप्स आती है। ये ऐसी सिरप होती है जो आपकी किडनी स्टोन को, बर्निंग वगैरह को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज की जाती है। यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है जब इसका यूज किया जाता है। अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन टेम्सोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड, डिट मेडिसिन क्या है, रिलैक्स करती है स्मूथ मसल जो है यूरिनरी ट्रैक एंड प्रोवाइड द पासेस ऑफ स्टोन। ये क्या करती है, आपकी मसल्स को जो यूरिन ट्रैक के पास में होती है उसको रिलैक्स कर देती है, जिसके वजह से क्या होता है यूरिन के जरिए आपका जो स्टोन बना हुआ है पथरी के अंदर, पथरी जो स्टोन बन गया किडनी के अंदर वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर बता।